नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां हम और आप विधि से संबंधित समस्त जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, साझा करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य ये है कि विधि से संबंधित जानकारी भारत के निचले से निचले तबके को भी आसानी से उपलब्ध हो। आज तो हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो घर घर का विषय है, और लगभग आज समाज में हर तीसरे चौथे घर में ये दुर्घटना होती पाई जा रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IPC की धारा 304B यानी कि दहेज हत्या। इसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, उसको लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ ये भी है कि वीडियो अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में क्या गाइडलाइन इशू की है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। और अगर आप अधिवक्ता हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं, या आप लॉ के स्टूडेंट हैं या PCSJ की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सतबीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2002 में संविधान की, जैसे आपको पता है कि स्पेशल लीव पटिशन क्रिमिनल 136 अनुच्छेद 136 के अंतर्गत मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं, तो उसी के तहत ये क्रिमिनल अपील नंबर 1735 और 1736 वर्ष 2010 का है, जिसमें जाकर के 28 मई 2021 को इसका फैसला आया है। और फैसला क्या आया है, पूरी तरीके से इसमें एक नई गाइडलाइन 304B को लेकर के कि किस प्रकार से इसमें कोर्ट के क्या दायित्व होते हैं और किस प्रकार से जो एक्यूज होता है उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ सेक्शन 313 CRPC और साथ ही साथ सेक्शन 232 और 233 और साथ ही साथ सेक्शन 113A जो है एविडेंस एक्ट का, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले एक सरसरी तौर पर देखते हैं कि ये मामला क्या था। दोस्तों, ये मामला था 1973 का। 1973 में ये दोनों परिवार संपर्क में आए थे, जो प्रतिवादी और वादी थे, और 1974 यानी कि 1 जुलाई 1974 को मृतका और जो एक्यूज है यानी कि जो डिसीज्ड वुमेन है और जो एक्यूज्ड हैं, दोनों की शादी हुई थी। और 31/7/1995 यानी कि 31 जुलाई 1995 को, यानी कि शादी से ठीक 1 वर्ष 1 माह के बाद, जो मृतका के पिता थे, जो यानी कि जो प्रतिवादी हैं, उन्होंने उनको किसी ने सूचना दी कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में एडमिट करा दी गई है। और इस सूचना को पाकर के वो अपनी बेटी और एक बेटे के साथ अस्पताल में पहुंचे, जहां उनको पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, और मौत इसलिए हुई क्योंकि वो जल गई थी। जिसके बाद दिसंबर 1995 में ये मामला कोर्ट में आया, कोर्ट के संज्ञान में आया, और इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। अब जो मामला था, इसमें जो वादी पक्ष के वकील थे, इन्होंने जो माननीय लर्न्ड ट्रायल कोर्ट को जो अपना आर्गुमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि जो मृतका है उसके पति और उसके परिवार वाले जो है वो उसको दहेज को लेकर के काफ़ी दिनों से प्रताड़ित करते आ रहे हैं, जिसके कारण से उनके इस उत्प्रेषण को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनके इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाई मृतका, और उसने जो है स्वयं को आग के हवाले कर लिया और वो मर गई। तो इस मामले की सुनवाई चली, और लगभग 2 वर्षों बाद 19/7 यानी कि 19 जुलाई 1977 को जो चंडीगढ़ की जिला न्यायालय था, जो परीक्षण न्यायालय था, उन्होंने एक्यूज्ड को दोषी करार दिया, और दोषी करार देते हुए उन्हें
आईपीसी की धारा 304B यानी कि दहेज हत्या के लिए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा, तथा साथ ही साथ आईपीसी की धारा 306 जो कि आप जानते हैं कि आत्महत्या करने के लिए उकसाना या उत्प्रेषण करना, इससे संबंधित है, उसके लिए 5 साल के अलग से सश्रम कारावास की सजा सुनाई। और जिसको लेकर के फिर 1979 में हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसमें सुनवाई के दौरान 2009 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लर्न्ड परीक्षण न्यायालय यानी कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको सही ठहराते हुए दोनों सजाओं को कंटिन्यू कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने फैसला किया और जो ट्रायल कोर्ट का ऑब्जर्वेंस है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वर्ष 2010 में एक स्पेशली पटिशन पटिशन क्रिमिनल के जरिए ये एक अपील दायर की गई, और न्यायालय से ये कहा गया कि इस मामले में जो उत्प्रेषण की बात की गई है, उत्प्रेषण किसी प्रकार से नहीं किया गया है, और साथ ही साथ वो जो दहेज हत्या की बात हो रही है वो एक महज दुर्घटना मात्र है। तो इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान पूरे मामले में आर्गुमेंट हुआ, 113B में कैसे होता है, 313 में क्या होते हैं, इसके अभी मैं आपको बताऊंगा जो गाइडलाइन इशू की थी। लेकिन सरसरी तौर पर जो इस मामले के अंतिम निर्णय तक पहुंची सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने ये कहा कि जो 304B के तहत 7 साल का सश्रम कारावास है वो बहुत पूरी तरीके से सही है, और इस फैसले को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया और कहा कि ये जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन 306 के तहत जो उन्होंने अपराध सिद्ध किया है इसका कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, और जो प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट है, डिफेंस है, वो इस बात को प्रूफ करने में अक्षम रहा है कि वो जो है वो उत्प्रेषण, क्योंकि शादी को 1 साल ही हुए थे और इस दौरान में 5 से 6 महीने ही मृतका जो है अपने सास ससुर के घर में यानी कि अपने पति के घर में रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं नजर आ रहा है, ऐसा कोई ठोस सबूत या तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाए डिफेंस जिस जो ये सिद्ध कर सके कि आईपीसी की धारा 306 के तहत भी अपराध हुआ है। तो उस अपराध से उन्होंने जो एक्यूज था उसको मुक्त कर दिया, लेकिन 304B के तहत जो दहेज हत्या का अपराध था उसको उन्होंने कंटिन्यू करते हुए 7 साल के सश्रम कारावास को सही ठहराया। लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा ये है कि इसके बाद जो गाइडलाइंस माननीय न्यायालय के द्वारा इशू की गई थी वो क्या थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जो 304B के मामले होते हैं, इस मामलों को सुनने के लिए जो ट्रायल कोर्ट है वो उनके लिए दिशा निर्देश है, वो ध्यान दें, और अब से इसी दिशा निर्देश के अनुक्रम में वो 304B के मामलों की सुनवाई करेंगे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई भी परीक्षण न्यायालय धारा 304B के तहत किसी भी मामले को सुनवाई करता हो तो वो इस बात का बहुत ध्यान रखे कि जो लेजिस्लेचर ने 304B को अमेंड करके जोड़ा है आईपीसी के अंदर, उसका इंटेंट क्या था, उसका इंटेंशन क्या था लेजिस्लेचर का, उस इंटेंशन को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ जो समाज में बढ़ती हुई दहेज की मांग है और दुल्हनों के जलने की घटना है, ये एक सामाजिक कुप्रथा बन गई है, एक सामाजिक कुइच्छा बन गई है, उसको देखते हुए इस बात को भी कोर्ट को ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ें समाज में निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 304B के लिए यह आवश्यक है कि वादी सर्वप्रथम वो साक्ष्य रखे जिससे ऐसा अपराध किया जाना स्पष्ट हो, मतलब कि ट्रायल कोर्ट जो है वो पहले जो डिफेंस है यानी कि जिसने मामले को दर्ज कराया है उनसे ये कहे, डिफेंस नहीं रिस्पॉन्स जो एक्यूज की सॉरी जो जो डिसीज्ड की तरफ के लोग हैं उनका जो लॉयर है, प्रोस्टिक्यूशन जिसे बोलते हैं, वो अपनी तरफ से जो उसके पास साक्ष्य है जो तथ्य है वो उसको प्रोड्यूस करें कोर्ट में, और अगर उनको कोर्ट उसको रखने के बाद अगर कोर्ट को ये प्राइमा फेशी लग जाता है कि इसके जो एक्यूज्ड है उसके प्रति 304B का अपराध बनता है, तो कोर्ट उसी को आधार बनाते हुए अपना फैसला सुना देगी, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 113B है उसमें कहा गया है कि अगर इस प्रकार की उपधारणा हो जाएगी तो ये एक अनरिपुटेबल यानी कि अखंडनीय विधि की अखंडनीय उपधारणा, इसे खंडित नहीं किया जाएगा यानी कि इसको किसी तर्क द्वारा काटा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ तीसरी गाइडलाइन में उन्होंने कहा कि धारा 304B के तहत अपराध आकस्मिक नहीं हो सकता है। मेन बात जो इसमें समझने वाली बात है कि
अचानक से सडन प्रोवोकेशन में या अचानक से आप FIR सीधे कर दिए, इसके पूर्व में कोई FIR नहीं थी, डिसीज्ड को कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, अचानक से दहेज हत्या के लिए कोई मामला नहीं बन सकता है। वादी पक्ष को यह साबित करना पड़ेगा कि हत्या के पूर्व दहेज की मांग को लेकर के जो मृतका है उसको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, और इस घटना का जो मृत्यु हुई है उस घटना का उस सताए जाने से सीधा संबंध है, तब जाकर के 304 भी और 306 लगेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि IPC की धारा जो 304 भी है वो यह नहीं कहता कि आत्महत्या या दुर्घटना की स्थिति में भी सभी को दंडित किया जाए, मतलब परिवार के जो सभी सदस्य, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि वर्तमान समय में ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं जो घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं होते हैं या कभी कभार वहाँ पर आते हैं और उनका मृतका के साथ कोई विशेष संबंध भी नहीं होता है, फिर भी 304 बी के तहत उन्हें अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को ये भी बहुत ध्यान में रखना है कि इस चीज़ से कोर्ट को बचना है कि इस प्रकार की गलतियाँ कोर्ट ना करे, जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को सजा मिले, किसी अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो इसमें शामिल नहीं है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि 304 बी और 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट के परीक्षण के दौरान न्यायाधीश, वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह धारा अनिश्चित प्रकृति की है। अनिश्चित प्रकृति का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी संभव है, हो सकता है ये दहेज हत्या हो लेकिन दहेज हत्या सिद्ध ना हो सके, या हो सकता है वो दहेज हत्या ना हो लेकिन वो दहेज हत्या सिद्ध हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो दोनों पक्ष के वकील हैं और जो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं, तीनों लोगों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना होने पाए और कोई दोषी छूटने ना पाए, इस बात को बहुत विशेष तरीके से ध्यान में रखना होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि परीक्षण न्यायालय को धारा 313 CRPC के अंतर्गत, आपको पता है धारा 313 CRPC में ये है कि जब दोनों पक्ष के सबूत और गवाह कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं तो जो अभियुक्त होता है उसको लास्ट में कोर्ट में ले आ जाता है और तब सेक्शन 313 की कार्रवाई शुरू होती है, जिसमें कोर्ट यानी कि माननीय न्यायाधीश जो परीक्षण न्यायालय के होते हैं वो उस अपराधी, उस एक्यूज पर्सन को बताते हैं कि PW1 ने ये आपके खिलाफ ये कहा है, PW2 ने ये कहा है, इस एविडेंस में ये प्रूफ होता है, आपको इसके खिलाफ क्या कहना है या आपको अपने बचाव में इसके अगेंस्ट में क्या कहना है। ये 313 की कार्रवाई होती है जो पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड होती है। इन्होंने कहा कि परीक्षण न्यायालय को धारा 313 CRPC के अंतर्गत कथन का लेखन सतही और सामान्य ढंग से करना चाहिए, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेना चाहिए या ऐसा कोई दबाव तरीके का ना क्रिएट कर दिया जाए कि जो एक्यूज पर्सन है वो कोई दबाव महसूस करने लगे या वो दबाव में गलत उत्तर देने लगे इस तरीके से। इसमें ये भी कहा गया कि द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज अंडर 313 CRPC विल बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, मतलब कि जो फेयरनेस जो होनी चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग में उसको दर्शाता है 313 की जो कार्रवाई होती है और वो बनी रहनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा, मैंने कहा कि द ट्रायल कोर्ट मस्ट फॉलो द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड द रूल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम, वो उसी का है कि मतलब सभी को सुने जाने का अधिकार है और जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उस सिद्धांत को कोर्ट को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए और उसके इतर कोई कार्य नहीं करना चाहिए माननीय न्यायालयों को। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि न्यायालय आपत्तिजनक परिस्थितियां उत्पन्न करके जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका रिस्पांस देखेगा, मतलब कि जैसे तेल मिट्टी का तेल डाल के जलने की घटना है या इस प्रकार की घटना है तो ऐसा करके एक सीन क्रिएट किया जाए कोर्ट के अंदर और उसको करके देखा जाए कि जो एक्सप्रेशंस ऑफ एक्यूज्ड है, जो मेंटल स्थिति है उसकी और उसके शारीरिक में क्या हाव भाव में परिवर्तन हो रहा है, इसको कोर्ट ऑब्जर्व करे। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर वादी और प्रतिवादी के साक्ष्यों के बाद यह लगता है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है तो कोर्ट का यह दायित्व है कि उसे दोष मुक्त कर दे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के 313 भी हो गया, 232 और 233 हो गया, लेकिन और जो भी प्रक्रिया होती है कोर्ट की, वो सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद भी, आर्गुमेंट के बाद भी कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि कोई अपराध नहीं बन रहा है तो उसे जो है उस एक्यूज्ड को दोष मुक्त कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर धारा 232 CRPC के तहत परीक्षण न्यायालय ने यह निश्चित किया है
कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता, तो प्रतिवादी का विशिष्ट परीक्षण धारा 233 के अंतर्गत किया जाएगा। धारा 233 के अंतर्गत विशिष्ट परीक्षण का अंतर मतलब ये किया जाएगा कि उसको मतलब फिर उसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चनिंग में फिर भी वही है कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए और एक्यूज्ड के ऊपर ऐसे किसी क्वेश्चन का कोई बर्डन नहीं आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो त्वरित परीक्षण का अधिकार है इसको भी ट्रायल कोर्ट फॉलो करे, और जो सभी स्टेप्स हैं फेयरनेस तरीके से, रिजनेबल तरीके से, सारे स्टेप को करते हुए जितने कम समय में वो परीक्षण पूरा कर सकते हैं परीक्षण करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फेयरनेस बनी रहनी चाहिए, कोई पॉइंट कोई ला पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, या कोई ऐसा पॉइंट ना छूट जाए जिससे कोई दोषी को सजा हो जाए या किसी निरपराध व्यक्ति को अपराधी सिद्ध कर दिया जाए या अपराधी को निरपराध सिद्ध कर दिया जाए इस तरीके का। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनको इसमें न फंसाया जाए, सभी को एक साथ इसमें न फंसाया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें वो लोग भी 304 बी का शिकार हो जाते हैं जो लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसलिए ट्रायल कोर्ट्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो लोग उसमें शामिल नहीं थे परिवारीजन या उसके नातेदार निकट संबंधी, उनको इन मामले में दंडित ना किया जाए। तो ये थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, आशा है कि आपको इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।